टेलीविजन के पर्दे पर आप लोगों ने कई बार आपके पसंदीदा कार्टून नेटवर्क पर टॉम एंड जेरी या मोटू पतलू जैसे आपके पसंदीदा कार्टून कैरेक्टर और उनकी दोस्ती देखे होंगे। लेकिन आज हम कटिहार से रियल लाइफ से अलग रियल लाइफ की एक ऐसी दोस्ती से आपको रूबरू करवा रहे हैं जिसे देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल कटिहार सहायक थाना क्षेत्र के राजट टोला में केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 9वीं में पढ़ने वाली छात्रा प्रियदर्शनी से एक गिलहरी की ऐसी दोस्ती हो गई कि अब गोलू गिलहरी मानो उस परिवार का हिस्सा बन गया है। सोते जागते हर वक्त वो परिवार के सदस्य की तरह प्रियदर्शनी के साथ रहते हैं। प्रियदर्शनी भी गोलू गिलहरी को अपना भाई जैसा मानते हैं। प्रियदर्शनी कहते हैं कि गोलू जब बहुत छोटा था तो पेड़ के नीचे गिरा मिला था और उसके साथ उसकी माँ भी नहीं थी। उस समय हुआ और उसकी माँ इस गिलहरी को उठाकर ले आया। तब से लेकर अब तक ये गिलहरी उन लोगों के साथ फैमिली मेंबर बनकर। बाहर से कोई आने पर वो चीख चीख कर अपनी ही अंदाज में परिवार के लोगों की इसकी सूचना देते हैं। एक गिलहरी है और वो एक दिन एक पेड़ से गिरा था और हमने और मेरी मम्मी ने देखा था, तो वहाँ पे उसकी मम्मी नहीं थी और उसकी मम्मी हमें मिली भी नहीं, इसलिए मैंने और मेरी मम्मी ने उसका परवरिश किया। अब वो इतना बड़ा हो गया है कि अब वो एक तरह का गार्ड बन गया हम लोग के घर का। जैसे ही कोई बाहरी इंसान आता है तो वो चीख चीख के मानो कह रहा हो कि चलो कोई आया है, जाके देखो अब कौन आया है। और साथ ही साथ वो हमारे एक अलार्म की तरह भी बन गया। सुबह सुबह वो मुझे उठाने का काम करता है और चिल्लाता है ऐसे जैसे मानो कह रहा हो कि चलो अब उठ भी जाओ, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया और तुम्हें पढ़ना भी है। साथ ही साथ अब वो एक फैमिली मेंबर की तरह बन गया, मुझे वो मेरा छोटा भाई लगता है। सचमुच इंसान से इंसान की बनते दूरी के इस दौर में गोलू गिलहरी और प्रियदर्शनी की एक रिश्ता मिसाल है। गिलहरी है वो पेड़ से गिरा था, मेरी बेटी ने उसे उठा करके पाला है और एक फैमिली मेंबर है वो। और सुबह में उठना, खाना रात को खिलाना, सुबह खिलाना और बहुत बेटे की तरह।